पेट्रोल और बिजली के बाद सुई गैस महंगी। ओगरा ने 1 जुलाई से सुई 9 दिन के लिए गैस 45% महंगी कर दी। सुई 7 दिन के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफा। तेल और बिजली की बचत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सख्त इकदाम का ऐलान करेंगे। कहा कि अरबपति और खरबपति अफराद आगे बढ़ें और कुर्बानी दें। काबीना अराकीन और सरकारी अफसरान को मिलने वाले मुफ्त पेट्रोल की कटौती की जाएगी। सिंध हुकूमत ने भी वज़रा और अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों में भी पेट्रोल के इस्तेमाल कीमत में 35% कट। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अमरीका, भारत और इसराइल ने मिलकर साजिश की। तीनों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। इमरान खान ने अमरीका के बाद भारत और इसराइल पर भी अपने खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। बुनेर में जलसायाम से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने मार्च की कॉल देना थी, लेकिन वकीलों ने मशवरा दिया कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले पेट्रोल पर लेवी और सेल्स टैक्स लगा होता था, जिसे कम करके पेट्रोल पर आवाम को रियायत दे दी जाती थी। कीमतें खरीद से कम पर पेट्रोल बेचना दुनिया का कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी तक हम पेट्रोल को उसकी कीमतें खरीद तक ला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा शाहिद खाका नबासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खान जदा के साथ में बातचीत। वाजे किया कि हुकूमत गद्दारी के मुकदमों के खेल में नहीं पड़ना चाहती। आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 30 रुपए के इजाफे पर परेशान। महंगाई कंट्रोल करने और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। लाहौर, मुल्तान, दादू, गुजरावाला और सक्खर में एहतजाज। ट्रांसपोर्ट किराए में भी इजाफा। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली बसों के किराए 20% बढ़ा दिए गए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1100 से बढ़कर 1500 रुपये और लाहौर से कोयटा का किराया 4000 से बढ़कर 5000 रुपये हो गया। फैसलाबाद में भी ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाना किराया लेना शुरू कर दिया। हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ने से सब्जी मंडी की रौनकमान बढ़ गई। सब्जियां मजीद महंगी होने का खदशा। किरायों में इजाफे से परेशान मुसाफिरों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। दो हफ्ते में 60 रुपये तेल बदा लीटर, हमारे से किराया नहीं सवारी दे रही। दो दफ़ा तेल पड़ा है, इसे सवारी तो किराया नहीं बढ़ रही है। आगे हम क्या करेंगे, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का निज़ाम ही नहीं चल रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा किराया बढ़ा दिया, डीजल कम महंगा हुआ है और किराया ज़्यादा बढ़ा दिया लोगों ने। ये 30 रुपये बढ़े हैं, फिर 100 रुपया हो गया, अभी 150 रुपये ले रहे हैं। पाकिस्तान को अगले साल कर्जों की वापसी और दीगर अखराजात के लिए 37 अरब डॉलर दरकार हैं। दरामदाद में 12 अरब डॉलर कमी की जाए और 10 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर हो जाए तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो सकती है। मारूफ माहिर मुआशिया डॉक्टर हाफिज बादशाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खान जदा के साथ में बातचीत। कहा कि अगले साल महंगाई 23% तक जाने का इम्कान है, जबकि अगले साल मुल्क की तरक्की की शरह 3% तक रह सकती है। नैब किसी पर बेबुनियाद मुकदमा बनाने से मुतल्लिक दबाव कबूल न करें। अगर नैब पर दबाव डाला जाए तो हमें चिट्ठी लिखें। हाई प्रोफाइल मुकदमात में हुकूमती मुदाखलत पर असफुल नूरिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस की रिमांड। कहा कि ऐसे पुराने मुकदमा जिनमें सजा नहीं हो सकती उनका नैब खुद जायजा लेकर फैसला करें। हाई प्रोफाइल केसों में तफ्तीशी अफसरान तब्दील न करने का अदालत का हुक्म बरकरार। अदालत की DGFIA को मुकदमात की नकूल सरबमुहर करके रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने की हिदायत। ECL तरमीमी कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। कराची की 15 मंजिला इमारत के सुपर स्टोर में लगी आग को चौथे रोज भी बुझाया न जा सका। फायर ब्रिगेड के साथ साथ नेवी रेंजर्स में भी इमदादी कामों में शिरकत। बिल्डिंग इंतजामिया के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इमारत के तहखाने में कुकिंग ऑयल जखीरा करने के बायस आग ज्यादा फैली। मकीन दरबद। पड़ोस वाले अपार्टमेंट में कुछ लोग रहते थे जिनका एक बच्चा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है। वो उस बच्चे को और अपने 2 बच्चों को गाड़ी में डाल के किसी तरह धुएं में से गाड़ी निकाल के वो रैंप पे से उतरी हैं। वो रात 1 बजे तक सिर्फ रोडों पे घूमती रही हैं, इसलिए कि उनका कोई रिश्तेदार शहर में नहीं है।
नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान हुकूमत के IMF से जालिमाना माहदे आज भी कौम महंगे पेट्रोल और बिजली की सूरत में भुगत रही है। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर इमरान खान का पैगाम शेयर करते हुए कहा कि बाकी शरपसंदी की तरह इस कॉल पर भी एक बंदा नहीं निकला। आवाम इस फितने तकरीबकार और भगोड़े को जान चुके। आवाम जानते हैं कि इस तबाही से कोई जमात पाकिस्तान को निकाल सकती है तो वो नून लीग है। तहरीकी इंसाफ के रहनुमा शौकत अली ने कहा है कि नालायक और घबराई हुई हुकूमत आ गई है। हम तो IMF से 8 माह तक लड़े, पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिक्स की, बिजली की कीमतों में कमी की, दावा किया कि पेट्रोलियम कंपनियां डीजल पर 70 और पेट्रोल पर 50 रुपए फी लीटर कमाई कर रही हैं। हमाद अजहर ने कहा कि इस हुकूमत की नालायकी की वजह से 40 रोज में रुपया 20 रुपये तक कमजोर हुआ। आज जो सुबह दोपहर शाम मईशत के खिलाफ चीखें मार रहे हैं लोग, इनको तो इमरान खान ने वजारतों से निकाला हुआ है कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर। ये वजीर खजाना थे सारे, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे सारे, अपनी शक्लें देखें, अपनी बातें सुने। आपको तो आपके वजीर आजम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों से निकाला हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। आपकी अहलियत आपके वजीर आजम ने कबूल नहीं की तो आवाम कैसे कबूल करे? आपकी बातों पे यकीन आपकी अपनी हुकूमत ने नहीं किया था, आपके MNAs ने नहीं किया था, आपके इत्तेहादियों ने नहीं किया था, तो आज आवाम कैसे करे? मईशत से मुतल्लिक चीखें मारने वालों को इमरान खान ने खुद कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों से निकाला था। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आपकी अहलियत आपके वजीर आजम ने कबूल नहीं की तो आवाम कैसे कबूल करें? हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सफ़ेद हाथी इदारों पर खर्च बढ़ने लगा। पाकिस्तान स्टील के ज़िम्मे 8 माह के गैस बिल की अदायगी के लिए हुकूमत ने 62 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का फैसला वज़ारत तिजारत के ड्यूटी ड्रॉबैक्स क्लेम्स के लिए 40.5 अरब रुपये के ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। वर्ल्ड बैंक के मनसूबे के तहत HEC के लिए 3,96 करोड़ के ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। वजारत दाखिला के लिए 1,81 करोड़ और वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 57,81 करोड़ रुपये के ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी भी दी गई। पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म करने के फैसले में ताखीर से खजाने को 150 अरब रुपए के नुकसान का जिम्मेदार कौन? प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत को 1-2 हफ्ते सोचने में लगे कि आम आदमी पर बोझ को कैसे रोका जा सकता है। शहबाज शरीफ को 2-3 स्कीमें बताई गईं जिसकी वजह से फैसला साजी में कुछ वक्त लगा। 35 से 40 हज़ार रुपये कमाने वालों को अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2,000 रुपये वजीफे का ऐलान। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे? कौन कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट में पत्थर बांध लेंगे। हमें कुछ हिस्सा इस आलमी मंडी में जो तेल की कीमत बढ़ी है लोगों पर पास ऑन करना पड़ा है। इसके बावजूद न सिर्फ बरसगीर में, पाकिस्तान इस वक्त भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सबसे सस्ती है। जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं समझता हूँ क्योंकि सख्त वक्त में यही होता है कि नॉर्मल जिंदगी देखें नॉर्मल नहीं रह सकती है। जब आपकी रिसोर्सेज ना हो, आप इस काबिल ना हो कि आप किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करें। चेहरे बदल गए, बयान न बदले, मईशत पर सियासत खत्म ना हुई। तहरीके इंसाफ हुकूमत में थी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का दिफा करती थी, पेट पर पत्थर बांधने का मशवरा देती थी। आज ऑपोजिशन में है तो तनकीद कर रही है। अब मुस्लिम लीग नून अपने इक्तदार में पेट्रोल महंगा होने की वही वजूहत बयान कर रही है, लेकिन जब ऑपोजिशन में थी तो तनकीद के तीर बरसाती थी। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है? जिस तरह आवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिराया, वज़ीर आज़म साहब ने आकर एक और यू टर्न मारा, 12 रुपए तेल बढ़ा दिया, ये नहीं बताया कि हमने IMF से वादा किया हुआ है इसलिए हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बलूचिस्तान के मज़ीद 5 लाख घरानों को शामिल करने की हिदायत कर दी। गवादर के मुस्तहिक माहिगीरों को कश्तियों के लिए इंजन मुफ्त फराहम करने का भी ऐलान। गवादर एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने गवादर में पीने के पानी, बिजली, सोलर पैनल्स और दीगर मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की।
تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کے کال پر مختلف شہروں میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف مظاہرے۔ اسلام آباد میں کیے گئے مظاہرے میں اسد عمر تانگے پر بیٹھ کر آئے، کارکن لالٹین اٹھا کر شریک ہوئے۔ اسد عمر کا انتظامیہ سے شہر میں گھوڑا اور گدا چلانے کے لیے پرمٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بیان کے خلاف آصف زرداری کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کے لاہور، فیصل آباد، سرگودا، بہاولپور اور آٹومیٹک سنگھ میں احتجاجی مظاہرے۔ پیپلز پارٹی کا عمران خان کے بیان کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ قمر زمان کاریہ نے کہا کہ عمران خان کی زبان وہ ہے جو ملک دشمن استعمال کرتے ہیں۔ وقار مہدی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ملک دشمن بیان کے خلاف اتوار کو سندھ بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ عمران خان کے دعوے اور حقیقت۔ عمران خان نے بنیر کے جلسہ عام میں دعویٰ کیا کہ آٹا، گھی، پیٹرول اور بجلی کی قیمت ان کے 3.5 سال کے دور میں اتنی نہیں بڑھی جتنی اس حکومت نے 2 ماہ میں بڑھا دی ہے، لیکن عمران خان کے دعوے اور حقیقت میں کھلا تضاد نکل آیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے دور میں 20 کلو آٹا 326 روپے مہنگا ہوا، جو دراصل 401.27 روپے بڑا تھا۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ موجودہ دور کے 2 ماہ میں آٹا 422 روپے بڑھ گیا ہے، جو دراصل 53.89 روپے بڑا ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ ان کے دور میں گھی 213 روپے بڑھا ہے، جو دراصل 323 روپے بڑھا۔ دعویٰ کیا کہ 2 ماہ میں گھی 200 روپے بڑھ گیا، جبکہ گھی 35 روپے بڑھا ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی دور میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 6 روپے اضافہ ہوا، اب 2 ماہ میں 10 روپے اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ در حقیقت نیپرا کے مطابق فی یونٹ قیمت میں 7.91 روپے کی سمری بھیجی گئی ہے، جو نہ منظور ہوئی نہ مسترد۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہارنے کے بعد صوبائی حکومت نے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات میں کمی کر دی۔ پی ٹی آئی حکومت نے اسمبلی سے بلدیاتی ترمیمی بل منظور کرا لیا۔ نئے بل کے تحت بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کم اور بیوروکریسی کی زیادہ کر دیے گئے۔ راولپنڈی میں انجمن شہریان راولپنڈی کے زیر اہتمام استحکام پاکستان ریلی، تاجر تنظیموں، طلبہ تنظیموں، وکلا تنظیموں کے کارکنان نے شرکت کی۔ تاجر رہنما زاہد بختاوری کا کہنا ہے کہ ریلی کا مقصد پاکستان میں افراتفری کے ماحول کا خاتمہ کرنا ہے، ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ تاجر رہنما شرجیل میر نے کہا کہ ملک میں اتحاد اور اتفاق وقت کی ضرورت ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل اور منگوٹائی میں فوجی چوکیوں پر دہشت گردوں کے حملے، 2 سپاہی شہید۔ میلی تیری نظر ہے، ہم کو سب خبر ہے، تیری سوچ کا ہمیں ہے پتا، گردن دبوچ لیں گے، تجھے جڑ سے نوچ لیں گے، کر کے تو دیکھ کوئی خطا، تو ساری چال چل لے، ہم بھی چال چلیں گے، تیرے وار کے آگے سب کی ڈال بنیں گے، ہر دشمن پہ لازم ہم سے ڈر کے بھاگے، ملک دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ٹیم محافظ میدان میں آ گئے۔ جی او اور آئی ایس پی آر کی مشترکہ پیشکش کا خصوصی کی جاری، سننے والوں کو بھاگ گیا۔ اب پیٹرول ڈلوانا نہیں، اب پیٹرول سونگنا ہے، خوردنی تیل کا استعمال اب ہوگا برائے نام۔ دنیا بھر میں تیل کی بڑھتی قیمت پر جہاں عوام پریشان ہیں، وہیں سوشل میڈیا پر تیل کی قیمتوں میں اضافے پر لوگ دلچسپ رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سینیٹر ولید اقبال نے سینٹ میں مرغی کی آواز نکال کر اپنے منفرد ہنر کا مظاہرہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ نے ویڈیو شیئر کر دی، کہا کہ علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال نے سینٹ میں مرغی کی آواز نکالی، اس پر علامہ اقبال کی روح تو تڑپ گئی ہوگی۔